यार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आर देवरी में आपका स्वागत है दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे ए इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में क्योंकि देख सकते हैं पाँच अक्टूबर के दिन काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज उठाई गई हैं जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कंपनी में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जिसके चलते यह डिलीवरीज उठाई गई हैं अगर एक माह का डिलीवरी का डाटा देखें तो देख सकते हैं पाँच अक्टूबर के दिन सन्तानवे पॉइंट तैंतीस परसेंट तक की डिलीवरी जुटाई गई है देख सकते है, तीन लाख बयासी हज़ार नौ सौ अड़तालीस शेयर्स डिमेट अकाउंट में ले जाए गए हैं और उसके पहले देखिए तो देख सकते सोलह हज़ार पाँच हज़ार बीस हज़ार नौ हज़ार चौबीस हज़ार सैंतीस हज़ार चौंसठ हज़ार बहत्तर अट्ठाईस आठ बीस तेईस पंद्रह इस प्रकार से डिलीवरीज उठाई गई थी जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कंपनी में कोई बड़ी न्यूज आ सकती है तो क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं तो देखते हैं एक कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं तो एक दिन में देखिए तो जीरो पॉइंट पचास परसेंट के नेगेटिव रिटर्न है एक माह का चार्ट पैटर्न देखें तो सात परसेंट के नेगेटिव रिटर्न है एक माह में देख एक साल में देखिए तो सात के पॉजिटिव रिटर्न है लेकिन चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल है तो पाँच साल का डाटा देखें तो उनपचास के पॉजिटिव रिटर्न है सिर्फ पाँच साल में उनपचास रिटर्न दिए हैं और मैक्सिमम का डाटा देखें तो एक हज़ार पाँच सौ अंठानवे परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न है मैक्सिमम में चार्ट पैटर्न देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, है। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में अपन देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस तो कंपनी के पास देख सकते हैं चार हजार दो सौ पच्चीस करोड़ का अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है लॉन्ग टर्म का कर्जा देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ज़ीरो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें तो एक सौ चौरासी करोड़ का शॉर्ट टर्म का कर्जा है कंपनी के ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट देखते हैं कंपनी ने कोई करंट इन्वेस्टमेंट किया है क्या तो देख सकते हैं पाँच सौ इक्यावन करोड़ का कंपनी का करंट इन्वेस्टमेंट भी है और कंपनी के पास कैश एंड कैश उपलैन देख सकते हैं एक हज़ार तीन सौ पंचानवे करोड़ का कैश है मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है जो अपना शॉर्ट टर्म का कर्जा नील करने के बाद भी कंपनी के पास कैश बचेगा जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कंपनी एक डिप्री कंपनी इसको मान सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू देखें तो दो हजार सत्रह में दो हज़ार दो सौ करोड़ का था दो हज़ार अठारह में दो हज़ार चार सौ पैंतालीस दो हज़ार उन्नीस में तीन हज़ार उनसत्तर दो हज़ार बीस में दो हज़ार नौ सौ अस्सी और दो हज़ार इक्कीस में देखें दो हज़ार आठ सौ करोड़ का रेवेन्यू रेवेन्यू कंपनी ने काफ़ी अच्छा जनरेट किया है कोरोना काल में भी देख सकते हैं ज़्यादा गिरावट नहीं है नेट प्रॉफिट देखें तो 2017 में देख सकते हैं चार सौ सत्तावन में चार सौ में पाँच सौ में पाँच और 2021 में देखें तो पाँच करोड़ का कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार है प्रमोटर्स के पास देखें ऊपर अच्छा खासा भरोसा है जून 2021 में देखें तो अट्ठावन पॉइंट सैंतालीस परसेंट तक शेयर्स है प्रमोटर्स के पास फॉरेन इन्वेस्टर के पास देखें तो अठारह पॉइंट निन्यानवे परसेंट शेयर्स है और डी आई एस के पास देखते हैं डी आई एस के पास उन्नीस पॉइंट चौरासी परसेंट शेयर्स है और पब्लिक के पास देख सकते हैं पब्लिक के पास दो पॉइंट इकहत्तर परसेंट शेयर्स हैं ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है फाइव स्टार बैलेंस शीट है लेकिन चार्ट पैटर्न देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि यह कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी है मिड कैप कंपनी में रिक्स थोड़ी ज़्यादा रहती है लार्ज कैप की के अपेक्षा इसलिए आप इसमें कम अमाउंट इन्वेस्ट कर, कर चल सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू